तो भाई कैसे हो आप लोग? आज हम जाने वाले हैं कहीं, वो तो आपको पहले भी पता ही चल गया होगा टाइटल और थंबनेल देख के। तो आज हम जाने वाले, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा और आगे भी हम आपको दिखाएंगे। तो बहुत सुबह हो रही है और मेरे साथ जा रहे हैं एक नया चेहरा, तो मैं आपको अभी आगे आगे दिखाती हूँ मेरे साथ कौन जा रहा है। तो मेरे साथ जा रहे हैं ये छपरी, ये तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सॉरी छपरी, मिस्टर रिची ये। तो आज हम जा रहे हैं, ये इसको नहीं पूछने का, हम कहीं नहीं कुछ नहीं पूछ रहे आज हम। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम नहीं बता सकते आपको, वैसे भी मालूम पड़ ही चुका होगा यार, सुबह सुबह उठ के जाने में बहुत टाइम लगता है। बहुत ज्यादा यहाँ पे कोहरा आ रहा है, सुबह के बज रहे हैं 5। तो अभी हम वापस से कैब में बैठ चुके और हमारा सफर वापस से शुरू हो चुका है। तो भाई साहब, अपन लोग पहुंच चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, मतलब कुछ ज्यादा ही जल्दी पहुंच चुके हैं। ट्रेन हमारी जो है वो है 6 बजे छूटने वाली है। तो आप लोग देख सकते हैं कि भाई साहब हमारी जो स्टार है कैसे घूम रही है नई दिल्ली, उधर देख सकते हो आप। अब हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से हम जा रहे हैं मथुरा। तो अभी हम मंजिल के थोड़ा सा करीब आए हैं। अभी तो हमारी मंजिल स्टार्ट होने वाली है, है ना? और जैसे कि आप लोग को बता दे यार, सुबह उठ करके जाना, मैं सही बता रहा हूँ, एक अलग ही टास्क होता है। मैं सही बता दे रहा हूँ, सुबह उठ करके ना कुछ मिला खाने को, ना चाय मिली, घर वालों ने बोला जाओ घूमने जा रहे हो, जाओ ऐश करो, और खाने का पूछा तो क्या बोला, मना कर दिया, कुछ यहाँ होटल नहीं खुल रखे। बताओ यार, ऐसा कौन करते हैं, किसके घर वाले ऐसे करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब हम पहले चलते हैं थोड़ा सा कुछ खाते पीते हैं, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं अपने स्टेशन के अंदर और अभी है हम 6 ट्रेन नंबर प्लेटफॉर्म पर। अभी हमें जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, तो काफी मेहनत लगेगी 1 पे जाने के लिए। तो अभी हम आ चुके हैं, थोड़ा बहुत खा लेते हैं चाय, तो मैं पीती नहीं, तो मैंने लिया है सैंडविच। मेरे साथ ये है, ये पी रहा है चाय, चाय का पूरा शौकीन है, जो कि दिन भर में 10 कप चाय पीने वाला इंसान। और यहाँ पे इसने पी लिए चाय, देख सकते हैं आप, ठीक ठाक ही लग रही है मुझे रेलवे स्टेशन की चाय वैसे। हेलो ड्राइवर सर, अच्छे से पहुंचा देना हमें। और यहाँ पे हमारी रेलगाड़ी अपने प्लेटफॉर्म पे लग रही है। अब ट्रेन तो हमारी लग चुकी है, अब है हमारा कोच जो है, और यहाँ पे हमारी ठंड के मारे कुल्फी और किटकिटी। कुल्फी के तो बात सही है, लेकिन आपको एक बात बता दूं, क्या बोलते हैं, हमारा कोच जो है वो सबसे पीछे है और हम सबसे आगे हैं। और कैसा लग रहा है, मतलब बैठ करके चेयर कार में? मैं तो कभी बैठी नहीं थी लोकल ट्रेन के पैसेंजर हैं, इसमें बैठे। क्या बात है, वैसे जर्नी तो हमारी स्टार्ट होने वाली है, आप लोग पहले भी देख करके थोड़ा सा समझ चुके होंगे कि क्या होने वाला है, कैसा जाने वाला है। अब पहला है तो थोड़ा सा बेर कर लीजिए। तो अभी हमारी चल चुकी है ट्रेन, तो अभी धीरे धीरे चल रही है, करेक्ट 6 बजे हमारी ट्रेन चली है, एक भी मिनट लेट नहीं। वैसे क्या बोलते हैं, पूरी पूरी से तो लेट हो रही है, लेकिन अभी देखते हैं कि इसमें टाइम पे पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे तो टाइम दिया है 7:30 बजे का, लेकिन ट्रेन हमारी चल चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बाय बोले बाय, कोई बाय नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता बाय, है ना? अभी तो ये देख लो जनता, ये ट्रैवलिंग में इन्होंने बोला था कि आराम से अच्छा खासा मौज मारते हुए चलेंगे, और ये 1.5 घंटे की ट्रैवलिंग में भी सो चुकी है। ये आ चुका है हमारा नाश्ता, नाश्ते में देख रहे हैं नोवर मैक क्या बिस्किट। हेलो सोने क्यों आई है, सोने आई है तू? ये रहा नाश्ता हमारा, जैसे कि अभी हम उतरने वाले हैं, मथुरा आ चुका है, अभी थोड़ी देर में उतरने वाले हैं बस। एक गेट पे लटका हुआ है, बहुत ज़्यादा
ये रहा पहला कदम। क्या बात है। और यहाँ पे हम मथुरा पहुँच चुके हैं। जैसा भाई भीड़ मथुरा पहुँच चुके, भीड़ इतनी ज्यादा है ना, जिसका मतलब हिसाब नहीं है यार। मतलब इतनी भीड़ क्यों यार, अरे खाली छोड़ दो यार। वैसे खाने पीने में भूख तो लगी हुई है, पर अभी हम चलेंगे, पहले हम रूम बुक करेंगे। रूम बुक करने के बाद थोड़ा सा फ्रेश होएंगे और फिर उसके बाद खाने पीने निकलेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे हम आपको लेकर के। और अभी हम मथुरा से जा रहे हैं वृंदावन। पीछे वो देखो, वो लगी हुई है प्लेटें पूरी टाइम ट्रेन की, देख सकते हैं। अभी हम मथुरा से वृंदावन जा रहे हैं, जो कि है यहाँ से 11 किलोमीटर दूर। अब वहाँ पे पहुँचने के बाद अब ये देखना पड़ेगा कि हमें रूम मिलता है या नहीं मिलता है यार, क्योंकि अभी यहाँ पे जितना हमने पूछा यहाँ पे बोला जाए, ये बोला लोगों ने कि क्या बोलते हैं, भीड़ अच्छी खासी आई है, अच्छी खासी भीड़ आई है। सुबह के 8 बजे ज़्यादा कुछ सुबह नहीं ऐसा। और इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, जिसका हिसाब नहीं, आपने तो देख लिया होगा स्टेशन में कितनी भीड़ है। अब इस भीड़ में मिलेगा रूम कि नहीं मिलेगा पता नहीं, देखते हैं अब क्या होता है। और यहाँ से हम मथुरा से बाहर निकल के रिक्शे में बैठ चुके हैं वृंदावन की ओर जाने के लिए। और यहाँ से आप देख सकते हैं मथुरा का थोड़ा थोड़ा दृश्य है, पीछे से आपको दिखाते हुए आपको लेके जा रहे हैं। तो अब हम आ चुके हैं सिटी से बाहर, हम बस पीछे बैठ कर बहुत कौन तो आवाज़ आ रही है, ये तो पहली बार आई है। और मैं यहाँ पे कैफी जा रहा चुका हूँ, यहाँ पे आने के लिए तो इसके यहाँ पे पीछे फलों की रेड़ी लगाता है ये। आलो ले लो। तो जैसे भी आपको आना हो कॉन्टेक्ट करना है, आपको सब बताएगा। तो हमने यहाँ पे ले लिए है रूम। वैसे आज इतनी भीड़ है कि रूम मिलना एकदम मतलब मिल ही नहीं रहा था, ऐसा सीन हो गया था यहाँ पे। बड़ी मुश्किल से एक रूम मिला है, वो भी 5-6 घंटे के लिए, क्योंकि हमें तो आज शाम को ही निकल जाना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, ये देख सकते हो ये रूम हमारे पास हो चुका है, ये हमने एंटर किया है, ये हमारा रूम है। ये मतलब अभी के टाइम पे मैं सही बता रहा हूँ आपको, इतनी ज्यादा भीड़ है, इतनी ज्यादा भीड़ है कि अभी अगर आप आओगे ना तो आपको रूम मिलना मुश्किल ही नामुमकिन तरीके से। अगर मिलेगा भी ना फिर कितना मिलेगा। और अगर जैसे कि ये जो हमारा रूम है, ये ऐसे नॉर्मल सा रूम है, हमें तो वैसे भी निकलना, हमें बस सामान रखने के लिए चाहिए। सिर्फ हमें 6 घंटे के लिए मिला है, वो भी मिला है 1000 का। तो जनता अब हम लोग निकल चुके हैं, अपना फ्रेश वगैरह हो करके बाके बिहारी मंदिर के लिए जा रहे हैं। अब इतनी ज्यादा भीड़ है कि बोला जा रहा है कि क्या बोलते हैं, अरे यार ये लोग गांव देहात के लोगों को अच्छे से नहीं जानते हैं। मतलब इन लोग को गोबर से ऐसा लगता है कि अरे क्यों लग गया, क्यों लग गया। यहाँ पे बचपन से गायों के बीच में पले बड़े हैं। है पीछे का देखिए भाई कितनी भीड़ आ रही है, इतनी ज्यादा भीड़ हो रखी है ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। अभी तो हम बाके बिहारी मंदिर जा रहे हैं। वैसे तो इसका खुलने का टाइम पहले था 8:30 से 12 बजे तक का, लेकिन अभी तक पूछा जो हमने, उन्होंने बोला कि 1 बजे तक अब खुलेगा। तब देखते हैं, चलते हैं यार दर्शन करते हैं, बहुत समय बाद, बहुत वक्त बाद आ रहे हैं मिलने के लिए। कुछ कहना चाहेंगे, आपका तो पहली बार है। अभी मैं अंदर जाके कहना चाहूँगी, तो मज़ा आ रहा है। चलते हैं। तो हमारे यहाँ पे लग चुका है राधे राधे। तो आज हमें पहचान हो चुकी है, हम वृंदावन आए हैं। तो मतलब बहुत मज़ा आ रहा है, अभी हम पैदल चल रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं बाके बिहारी जी के मंदिर। लेकिन आप भीड़ देख लो, भीड़ देख लो, बाके बिहारी मंदिर जा रहे हैं, भीड़ और यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण हम फिर भी उसका सामना करते हुए पहुंच चुके बाके बिहारी जी के पास। तो दर्शन हमारे हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं, पहले थोड़ा सा रूम पे जाएंगे, थोड़ा सामान वगैरह रख देंगे जो भी प्रसाद वगैरह, फिर हम जाएंगे प्रेम मंदिर की ओर। इतनी भीड़ थी कि वहाँ पे हम थोड़ा सा भी क्लिप नहीं ले पाए ज्यादा, क्योंकि वहाँ पे मना है, वहाँ पे लेना मना है। तो आपको अगर हम आपको जितना भी हमने कवर किया वो आपको दिखा देंगे। बिल्कुल यहाँ पे बंदर ही बंदर घूमने जा रहे हैं।
बंदर ने एक भी झपड़ मार दिया अभी। हाँ एक लड़की का हिस्से है, मैं आपको अभी बंदर आ रहे हैं तो मैं अभी बाद में बुलाती हूँ। तो अब हम लोग चल चुके हैं बीजीवन की और बाकी बिहारी के दर्शन अच्छे से हो गए। हम आए रूम पे, अपना सारा सामान वामान जो भी प्रसाद वगैरह था जो भी हम लेकर के आए थे, जो भी हमें पसंद आया था लेने के लिए, तो हमने ला करके रख दिया था रूम पे। और अब हम रूम से निकल करके सीधा जा रहे हैं दीदी बन, क्योंकि हमारा एक दिन का है तो एक दिन में हम सोच रहे हैं कि सारी चीज़ें कवर कर लें, मतलब वो तो नहीं हो पाएंगी, उसके लिए तो पूरा दो तीन दिन चाहिए, पर फिर भी कैसे भी होगा अच्छा ही है। तो कैसा लगा आपको दर्शन कर लिया? बहुत मस्त, बहुत दर्शन हो गए तो बहुत मजा। माए निधिवन तो यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, यहाँ पे बंद हो गया, इतनी भीड़ है कि अब हमें वापस जाना पड़ रहा है। बंद हो गया वापस, वापस तो वापस ही चलते हैं। वापस चलते, बहुत भीड़ है उधर, देखो उधर ना निधिवन में बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो भीड़ के कारण वहाँ पे द्वार बार बार बंद कर दिए जा रहे थे, तो इस वजह से हम शाहजी टेंपल जो कि निधिवन के एकदम बगल में है तो वहाँ पे हम थोड़ी देर घूमने के लिए आ गए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं निधिवन में कितने सारे लोग दर्शन करने के लिए आए हैं। और ये हम निधिवन की लाइन में वापस से लगते हुए अलग ही न्यू ईयर के टाइम पे आना ना, मतलब भाई सबसे बड़ी बात भी है और सबसे अच्छी बात भी कि अब भीड़ में चलते रहो ना, वीआईपी वीआईपी कोई दिक्कत नहीं है यार। वीआईपी के लोग ऐसे कह रहे थे कि हम वीआईपी चार्ज में करा देंगे, ये करा देंगे, नहीं जब तक लाइन में लग करके भूसे में ना होगा ना तब तक आपको मजा नहीं आएगा। क्यों? बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अभी भी कितनी ज्यादा भीड़ है, तो गेट अभी तक बंद ही है यहाँ पे निधिवन में, पर अभी थोड़ी देर में गेट खुल जाएंगे। बड़ी मुश्किल से जो है अंदर तक पहुँचे हम, मतलब इतनी ज्यादा भीड़, आधे घंटे लगभग हम लोग खड़े रहे, मतलब एक जगह स्टिल रहे हैं, स्टिल आप लोगों ने पहले देख तो लिया ही होगा। अब जाके हमारे दर्शन हो चुके हैं, निधिवन में हो चुके हैं, अब आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। मतलब निधिवन में यार इतने सालों में पहली बार मैंने इतनी भीड़ देखी कि भाई निधिवन में लोग आ रहे हैं। यहाँ पे भीड़ को चीरते हुए हम लोग अंदर आ, फिर हमारे बहुत ही अच्छे से राधे कृष्ण जी के दर्शन हुए। तो यार इतने थकने हारने के बाद तो अब हम पीने जा रहे हैं सोडा, सोडा पीने जा रहे हैं कंचा सोडा। और सबसे बढ़िया बात क्या है मालूम है, अब मैं आपको ऐसे घुमा करके दिखाऊंगा, अगर इंसान ना खुश भी हो ना तो वो यहाँ पे आकर के ना अपने आप से खुश होना चालू हो जाता है। वैसे ये जब आप यहाँ आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस चीज के लिए है, क्यों है। तो भाई अभी हमें बहुत ज्यादा भूख लगी तो अभी हम खाने आए हैं नान, तो मैं आपको नान दिखा रही थी, नान की शक्ल कैसी है और यमुना घाट पे थोड़ी देर खाने के बाद हमने सोचा चलो यार इतनी जल्दी क्यों जाना, तो हम थोड़ी देर यमुना घाट पे टहलने लगे और पीछे से राधे कृष्ण का भजन गाते हुए कुछ लोग हमारे सामने से गुजरने लगे। तो भाई आज हमारा लास्ट स्टॉप है अब, तो क्योंकि हम अपने रूम से निकल चुके हैं पैक वैक करके अपने सामान वगैरह, तो हमारा लास्ट स्टॉप है, कहाँ है हमारा लास्ट स्टॉप? प्रेम मंदिर। लास्ट स्टॉप प्रेम मंदिर है। और ये जो बोल रही है ना कि रूम से सामान वामान पैक करके निकल चुके, देख सकते हो आप लोग कौन है, मैंने इसको सामान पैक करने के लिए ही रखा था इन्हें। ये पीछे आने को सामान हम आपको दिखाते हैं, प्रेम मंदिर चलते हैं एक बार। और अब हम आपसे मिलते हैं सीधा प्रेम मंदिर में, क्योंकि हम पहले कुछ खाएंगे फिर उसके बाद जाएंगे। तो अब प्रेम मंदिर की तरफ जब हम लोग जा रहे थे तो हमने सोचा चलो यार थोड़ा सा कुछ खा पी करके चलते हैं, तो हमने खाए कचौड़ी और पूरी सब्जी। तो अब हम चल पड़े हैं, अब हम मिल चुके हैं रिक्शा जो कि मात्र 20 रुपए। इतना बड़ा जो बैग पकड़ा करके बैठा है, वो 4 बजे खुलेगा प्रेम मंदिर। यार मुझे समझ नहीं आ रहा इतनी भीड़ कैसे आ चुकी है, लेकिन सही में यार प्रेम मंदिर हम आए घूमने के लिए, प्रेम मंदिर हम आए घूमने के लिए और भीड़ देखो, भीड़ बहुत ज्यादा है। इस भीड़ में हम भी शामिल होने जा रहे हैं, ये भीड़ इतनी ज्यादा है। और अभी जब आ रहे थे रिक्शे से तो उस पर बात चल रही थी कि क्या बोलते हैं कि
10 लाख यात्री लोग आए, 10 लाख टूरिस्ट आए कल के दिन। और हाँ, एक और हमें चीज पता चली कि कल यहाँ पे स्कॉन में 2-3 लोगों की भीड़ के मारे, मतलब भगदड़ मच गई, भगदड़ हो गया, ऐसा हो गया, इतनी भीड़ है ना कि इस टाइम पे आने की हद से ज्यादा। और अभी हम आए थे सिर्फ प्रेम मंदिर देखने के लिए कि चलो ठीक है लास्ट है, हम देख करके चलते हैं। और ये देखो, ये सिर्फ दरवाजा खुलने का इंतजार है और इस इंतजार में हम भी यहाँ पे इनके शामिल है। तो अब हम आ चुके हैं भाई साहब प्रेम मंदिर के अंदर, ठीक है भाई, इतनी देर खड़े होने के बाद ये देखो यहाँ भी वही भीड़ है, ऐसा लग रहा है मेले में आ चुके हैं, ठीक है। ये देखो यार, ये देखो भाई साहब गजब की भीड़ लग रखी है। भाई बवाल, भीड़ बवाल बवाल। अब लंबे वक्त के बाद, लंबे इंतजार के बाद हमें अंदर जाने का मौका मिला, और अब जब प्रेम मंदिर के दर्शन हुए तो हमने सोचा कि चलिए आपके लिए भी हम थोड़ी से प्रेम मंदिर की झलकियां ले लें। तो अब आप देखिए प्रेम मंदिर की हल्की हल्की झलकियां। अब हम निकल चुके बिल्कुल, और प्रेम मंदिर में हमने मतलब ज्यादा घूमने पाए क्योंकि बहुत भीड़ थी और हमारे पास वक्त की कमी थी बिल्कुल। लेकिन अगली बार जब भी हम कहीं जाएंगे तो पूरा 1-2 दिन का प्लान करके जाएंगे, फिर उसके बाद आपको पता दिखाएंगे मस्त एकदम। आज हम यहीं पे एंड करते हैं, दिल्ली में मिले, मिलते हैं।